बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि का स्वामी भी शनि है, लेकिन सावधान, क्योंकि 20 जनवरी 2023 को शनि आप ही की राशि में गोचर करने जा रहा है, तो आपके घर में 3 साल रहेगा, आपकी सेहत खराब रहेगी, आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा बोलने की वजह से अपनी वाणी को खराब कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग तो राजा बन जाएंगे और बहुत सारे लोग रंक बन जाएंगे, डिपेंड करता है आपकी नेचर पे। तो मैं तो कहती हूँ अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, आपके भाग्य में जो है वो चलकर आपके पास आएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना वाणी मीठी बोलनी है, तो कुंभ राशि वालों अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। आपके लिए एक उपाय जरूर बताऊंगी, काले तिल या तिल से बनी हुई मिठाई लक्ष्मी माँ को भोग अर्पण करनी है और काले तिल का दान करना है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि वालों के भी स्वामी शनि हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के उपाय अलग होंगे, क्योंकि राशि अलग है तो उपाय भी अलग होंगे। कुंभ राशि वालों को अपने स्टाफ को, जिनको भी वो सैलरीज देते हैं, उनको दान देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, कि जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदे मिलें। क्योंकि जो हमारे लिए काम करते हैं, अगर वो हमसे खुश हैं तो हमारी ग्रोथ पक्की है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम अपने स्टाफ को कुछ देते हैं लेकिन खुशी से नहीं देते, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वो भी घर से काम करने आए हैं, तो कुंभ राशि वालों अपने स्टाफ को खुश रखिए, उनको दिवाली पे अच्छा कुछ गिफ्ट दीजिए, इससे आपकी रेमेडी भी हो जाएगी और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। और ये शनि का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि शनि खुद आपका स्टाफ है, वो वही मजदूर हैं, शनि को मजदूर ही कहा जाता है, जो काम करते हैं वो शनि हैं, इसलिए जो आपके अंडर काम करते हैं उनको खुश रखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 10 नंबर। आखिरी राशि मीन राशि, आपको करना पड़ता है बहुत इंतजार, इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए खास। आप ही की राशि का स्वामी जो है इस वर्ष का मंत्री है। ओए होए, जब अपना ही घर का कोई व्यक्ति मंत्री हो तो फिर डर किस बात का। आपके लिए कुछ बड़ी गुड न्यूज हो सकती है, लाइफ अच्छी हो सकती है। मछलियों को खाना आपको दिवाली वाले दिन जरूर खिलाना है। हम दिवाली पर ना अपना 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 करते हैं, अपनों के लिए कपड़े ले आए, अपनों के लिए सब कुछ कर दें, लेकिन हमारे घर के आसपास रहने वाले बेजुबान जानवरों के बारे में कौन करेगा। तो मीन राशि वालों, मछलियों को खाना देना, कबूतरों को बाजरा देना आपको बहुत मदद कर सकता है। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए, बेसन की मिठाई, बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, बेसन की किसी तरह की मिठाई गरीबों को खिलाइए, बाहर जाइए। हम अपने घर वालों के लिए मिठाई ज़रूर लाते हैं, लेकिन हम दुनिया को भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ भी मीठा नहीं मिलता, हो सकता है तो उनको कुछ दीजिए, मिठाई दीजिए। अभी राखी जी ने बोला था कि मछलियों को डालिए, कबूतरों को डालिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए, परमात्मा आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। और मीन राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3 नंबर, तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। और कुछ भी काम आपको करना है, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।